Hello, students. Today, our topic is sketch programming, and this is sketch programming part 3. In this lecture, we are going to discuss some programs related to sketch programming. As you know, that we already uh, covered a program related to triangle, square, pentagon, hexagon in our last video. So, in this lecture, our main focus is to draw a circle and a rectangle. So, let's start. स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग का पार्ट थ्री है और ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रैच टू है ठीक है टू पॉइंट जीरो स्क्रैच वर्जन तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है लास्ट वीडियो तक जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम बेसिक जोमेटिकल फिगर्स सचैज़ ट्राइंगल स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन और हमने इसमें एक, एक पैटर्न देखा जैसे मैंने बताया था आपको उस पैटर्न के थ्रू अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको याद करना भी आसान रहेगा फिगर बेसिकली टू टाइप से ड्रॉ की जा सकती हैं और डायरेक्ट आप uh, या तो आप रिपीट ब्लॉक को यूज़ कीजिए या फिर रिपीट uh, कंट्रोल को यूज़ कीजिए या फिर आप यूज़ uh, कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर एनअर एक एक करके सभी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली सीक्वेंस में लिख दीजिए दैट इज़ आल्सो करेक्ट वे तो एग्ज़ाम में आप दोनों में से कोई भी एक मैथ ऑप्ट कर सकते हैं तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्क्रैच में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए जैसे ये बैकग्राउंड है ये वाइट कलर का है वाइट डिफॉल्ट वाइट कलर का ही होता है जहाँ ये कैट है ये कैट जो है ये आपका कहलाता है स्प्राइट और इस बैकग्राउंड को बोलते हैं स्टेज ये जो आप कमांड्स देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ मोशन लॉक साउंड लुक्स सॉरी मोशन लुक्स साउंड्स पेन डेटा ये आपके हैं ब्लॉक्स और आ, इस रीज़न को बोला जाता है ब्लॉक पैलेट क्योंकि यहाँ डिफरेंट कमांड्स होती हैं उनके ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक में पर्टिकुलर एक टाइप की कमांड होती है जैसे फॉर एग्जांपल इस समय मोशन ब्लॉक पर क्लिक है तो मूव करने से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब मोशन ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाएंगे आ, और आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है जो एरिया है वो है स्क्रिप्ट एरिया स्क्रिप्ट एरिया से इसलिए बोलते हैं जो ब्लैंक एरिया स्क्रिप्ट एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी कमांड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और डिफरेंट कमांड्स को कम्बाइंड करके आपको प्रोग्राम बनाना है एक्चुअली इसमें आपको प्रोग्राम लिखना नहीं है इसमें आपको प्रोग्राम ऑलरेडी कमांड्स दे रखी होती हैं उन कमांड्स को आपको यूज़ करना है उन कमांड्स को कम्बाइंड करना है कम्बाइंड करने के बाद वो आपका प्रोग्राम की फॉर्म बन जाएगी और आप अगर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो कैट है बाई डिफ़ॉल्ट कैट होता है स्प्राइट इसकी एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट पोजिशन दे रखी है ठीक तो और हम इसको चेंज कर सकते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीक का जो वीडियो था सैटरडे का उसको देखिए उसमें आपको ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये मिल जाएगी इसके प्रोग्राम से रिलेटेड और जहाँ तक बेसिक प्रोग्राम्स की बात है तो वो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार आज हम उसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ कराएंगे और साथ ही साथ स्क्वायर बनाना कैसे पॉसिबल है स्केच प्रोग्रामिंग में और रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो आ, सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं ठीक है चेंज करने की वजह क्या है चेंज करने की वजह सिर्फ एक ही है और वो ये है कि ये ड्रॉ करना कहीं ज़्यादा आसान है आप इसे कॉपी पर लिखेंगे तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले हमको करना ये होगा कि हमको आ, इवेंट कैटेगरी में जाना होगा और इवेंट कैटेगरी में एक आपका कमांड होती है और ये कमांड होती है क्लिक डाउन फ्लैग तो वो बेसिकली कमांड है प्रोग्राम को रन कराने के लिए जब आप प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो आपको फ्लैग पर क्लिक करना होगा और आपका प्रोग्राम रन हो जाए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लैग पर क्लिक करने से प्रोग्राम होगा ये हमने फ्लैग को सेलेक्ट किया क्लिक करने से वैन फ्लैग क्लिक इसीलिए फ्लैग पर क्लिक करने से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये आप देख पा रहे हैं वैन फ्लैग क्लिक ऑप्शन को मैंने इवेंट में जाकर सेलेक्ट किया ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया स्क्रिप्ट एरिया के अंदर आपको स्क्रिप्ट एरिया के अंदर ये डैग एंड ड्राप करना है ठीक है और जो भी कमांड्स हैं वो सब स्क्रिप्ट एरिया के अंदर डैग एंड ड्रॉप करनी है उसके बाद जाते हैं पेन ऑप्शन के अंदर देखिए पेन ऑप्शन में सबसे पहले आपको जो पिक करना है और मोस्टली प्रोग्राम में आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है क्लियर क्लियर का मकसद ये है आपका ज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लियर कमांड इज टू क्लियर ऑल द थिंग्स विच आर प्रीवियसली ड्रॉन ऑन योर स्क्रीन जो पहले आप ड्रा कर चुके हो उन सबको आपको हटाना है क्लियर करना है तो आप क्लियर कीजिए नहीं तो होगा क्या है ना पहले की फिगर भी बनी रहेगी और जो लेटेस्ट फिगर फिगर आपने ड्रा की है प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया वो फिगर भी वहाँ ड्रॉ हो जाएगी तो दैट्स लुक वेरी अपॉड तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए क्लियर कमांड को यूज़ करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर पेन डाउन अब पेन डाउन का क्या मकसद है पेन डाउन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पेन डाउन कमांड से हम एक्चुअली फिगर ड्रा कर पाते हैं वी आर एबल टू ड्रॉ अ फिगर यूजिंग पेन डाउन कमांड ये देखिए बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके हाथ में पेन है और मैं आपसे पेन से कुछ भी फिगर ड्रॉ करने के लिए कहूँ तो जब तक कॉपी और पेन आपस में कनेक्ट नहीं होंगे जब तक टच नहीं होंगे तब तक कोई जोमेटिकल फिगर पेपर पर ड्रॉ नहीं होगी तो सेम प्रोसीजर है यहाँ पर जब तक आप पेन डाउन कमांड नहीं लिखेंगे तो आपका फिगर ड्रॉ नहीं होगी तो फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको पेन डाउन लिखना पड़ेगा देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ वो बेसिक कमांड बता रहा हूँ जो जोमेटिकल फिगर ड्रॉ करने के लिए रिक्वायर्ड है जो आपके सिलेबस में है बाकी किसी कमांड से रिलेटेड जब आप ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम और कमांड्स को भी देखेंगे उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो कमांड कैसे काम करती है लेकिन फिलहाल वो जो सिलेबस में दे रखा है वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आपको कवर करा रहा हूँ यहाँ पर तो ये थ्री कमांड्स कोई भी ज्योमेटिकल फिगर ड्रॉ करनी है आपको तो ये रिक्वायर्ड है अंटेन से आप इसको यूज़ इसको तो आपको यूज़ करना ही है ठीक है और जब तक आप ये क्लियर और पैंड डाउन कमांड यूज़ नहीं करोगे तो फिगर में आपकी प्रॉब्लम आने वाली है तो चलिए अभी सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं सर्किल ड्रा करते हैं हम सर्किल ड्रा करने जा रहे हैं तो सर्किल को आप जानते हैं ठीक है सर्किल को ड्रा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको एक तो आ, कुछ स्टेप्स मूव कराना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर एंगल लेना पड़ेगा और इन दोनों इंस्ट्रक्शन को नंबर ऑफ टाइम्स सर्टेन नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको रिपीट करना पड़ेगा यहाँ नंबर ऑफ़ टाइम्स आपके ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ट्राइंगल और रेक्टेंगल क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो देखिए मैंने यहाँ पर मोशन में गया और एंग ले लिया मूव टेन स्टेप्स और टर्न ले लिया फ़िफ्टीन डिग्री तो और एक कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे कंट्रोल ब्लॉक में ले लिया रिपीट क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना है तो हम रिपीट कंट्रोल ब्लॉक को यूज़ करेंगे ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन है इसी रिपीट कंट्रोल ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे ताकि ये इंस्ट्रक्शन नंबर और सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाए रिपीट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टेन आई थिंक बहुत स्मॉल वैल्यू है सर्किल ड्रॉ करने के लिए टेन से काम नहीं चलेगा आपको वैल्यू इसको बढ़ाना पड़ेगा अभी फ़िलहाल मैं रन करा के दिखाता हूँ ये देखिए अभी मैं इतना कराऊंगा ना तो देखिए ये कर्व ड्रॉ हो रहा है आप खुद समझ जाइए तो ट्राइंगल तो सर्किल बन सकता है लेकिन अगर हम रिपीट की वैल्यू को बढ़ा दें तो और आप ये भी ध्यान रखिए कि, कि आप क्लाक वाइज एंटी क्लॉक वाइज़ दोनों तरीके से रोटेट कर सकते हैं अभी मैं एंटी क्लाक वाइज़ कर क्लाक वाइज़ कर रहा था मैं एंटी क्लाक वाइज़ के लिए मुझे दूसरा सिम्बल लेना पड़ेगा ये देखिए अभी ये एंटी क्लॉक वाइज है पहले क्लॉक वाइज़ था रोटेशन तो इसको सर्कल कर्व को सर्किल में कन्वर्ट करने के लिए एक बात तो समझ में आती कि सब कुछ ठीक है अगर हम रिपीट की वैल्यू बढ़ा दें टेन से थर्टी कर दें तो देखिए क्या वो थ्री टाइम्स कर दें तो ये देखिए सर्किल बन गया ठीक है तो बहुत आसान है अब इसकी रेडियस मुझे चेंज करनी है मान लीजिए तो क्या पॉसिबल है आंसर है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है मैंने अब मूव कर दिया टेन और मूव करते हैं मूव करते हैं फिफ्टीन टर्न एंगल चेंज कर दिया और ये कर दिया फ़ाइव और इसको कर देते हैं सपोज़ सेवेंटी फाइव देखते हैं ओके सर्कल कुछ बंद तो रहा है लेकिन स्क्रीन से थोड़ा बाहर ड्रा हो रहा है इसको थोड़ा सा और कम करते हैं देखते हैं ये देखिए हाँ अब ड्रा हो रहा है सर्किल ड्रा हो रहा है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो सर्किल ड्रा हो जाएगा इसमें भी तो मूव थोड़ा सा कम करते हैं ताकि सही से ड्रा हो जाए स्क्रीन के अंदर ही एरिया के अंदर ही ये देखिए ड्रा हो रहा है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ अब देखिए अब ये वैल्यू याद रख लीजिएगा आप सर्किल ड्रॉ करने के लिए आता है तो ये ध्यान रखिएगा रिपीट किया है मैंने सेवेंटी फाइव मूव किया है ट्वेल्व और टर्न किया है सिक्स नहीं टर्न सॉरी फाइव टर्न फाइव डिग्री का टर्न किया है और इससे एक अच्छा खासा सर्किल आपको देखने में मिल जाएगा बन जाएगा देखिए एक बात याद रखिएगा कि रिपीट की वैल्यू मैं आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपीट अगर आप ज़्यादा भी ले लोगे सर्किल केस में तो सर्किल uh, तो तभी ड्रा होगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन कम होगा तो फिर वो एक कर्व बन के रह जाएगा वो तो सर्किल नहीं बनेगा तो ये ध्यान रखिएगा तो रिपीट सेवेंटी फाइव लें सेवन हंड्रेड ले लें वन ट्वेंटी फाइव ले लें ले। तो उससे सर्किल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो सर्किल तो बनेगा उसके इसमें भी बस ये है कि थोड़ा सा वो जो इस समय एरो की डायरेक्शन है जो आप देख पा रहे हैं वो चेंज हो जाएगी इट मीन्स ओवर हो जाएगा लेकिन सर्किल तो वो भी कंसिडर किया जाएगा तो कुछ स्टेप्स ओवर हो जाते हैं उससे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव फाइनली सर्किल को ड्रा करना था तो आपने ड्रॉ कर दिया तो ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा आई थिंक पिछली बार वाला भी हमने सही लिया था इस बार भी हमने सही लिया 75, 12 5, 75 है सेवेंटी फाइव ट्वेल्व और फाइव सेवेंटी फाइव नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट तो रिपीट लिया आपने सेवेंटी फाइव मूव लिया आपने ट्वेल्व स्टेप्स और टर्न लिया है फाइव डिग्री इससे सर्किल बन जाएगा याद रखिएगा इसको ठीक है तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अभी चलिए आगे देखते हैं एग्जीक्यूट करा के और देख लीजिए अभी आप ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है अभी आपको सेवेंटी टू करना है तो आई थिंक सेवेंटी फाइव पर कुछ स्टेप ज़्यादा हो रहा है तो सेवेंटी टू का एग्जैक्ट ड्रॉ हो रहा है ये देखिए क्लियर है सेवेंटी फाइव पर करेंगे तो थोड़ा सा ही आगे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से ये देखिए तो एक दो स्टेप रिपीट अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है वो आपका तब भी सर्किल ड्रा हो जाएगा तो ये था सर्किल का प्रोग्राम नोट डाउन कर लीजिए एग्जीक्यूट करा के देखिएगा बहुत आसान है आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में याद करने में अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए तो ये वीडियो था हमारा सर्कल ड्रॉ करने का वैन क्लिक क्लियर पेन डाउन ये ऑप्शन तो कंपलसरी है ही इनको लिखना और हमने रिपीट कंट्रोल का यूज़ किया है इसके अंदर अब आपको ये लगता होगा क्या हम विदाउट रिपीट कंट्रोल इसको बना सकते हैं आंसर है बना तो सकते हैं लेकिन आपको ये जो और टर्न स्टेप है ना ये सेवेंटी फाइव टाइम्स या एटलीस्ट सेवेंटी टू टाइम्स अगर सेम वैल्यू रखते हैं तो रिपीट करना पड़ेगा तो प्रोग्राम काफ़ी लेंदी हो जाएगा ठीक है और उसका कोई मतलब बनता नहीं है तो रिपीट कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प रिपीट कंट्रोल की हेल्प से ही आप बनाइएगा कंट्रोल ब्लॉक में ये रिपीट ऑप्शन मिल जाता है इसकी हेल्प से ही आप बनाइएगा अदरवाइज़ तो फिर आपको जितने भी आपने रिपीट वैल्यू लिखी है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना पड़ेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है तो ये सर्किल का प्रोग्राम था बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है वैल्यू याद रख लीजिएगा ठीक है अब वैल्यू तो आपको इसी तरीके से लेनी पड़ेगी अगर आपको रेडियस कम लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी अभी साइज़ के अकॉर्डिंग आई थिंक ये सही है सर्किल और सबसे आसान तरीका तो यही है सर्किल ड्रा करने का ठीक है तो अभी अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी हमने कवर कर लिया ट्राइंगल स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन और सर्कल अभी अभी हमारा रेक्टेंगल रह गया है तो वो रेक्टेंगल का प्रोग्राम और बनाते हैं इसको सेव कर लीजिए चाहे तो आप डीम फाइल ओपन कर सकते हैं तो ये आपका प्रोग्राम आगे तक के लिए सेव रहेगा ठीक है नी फाइल ओपन होगी तो इसको चेंज कर लेते हैं स्प्राइट को एरो लेते हैं ड्रॉ करना ज़्यादा आसान रहता है एरो के थ्रू अब रेक्टेंगल का बनाते हैं देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रैक्टेंगल स्क्वायर में डिफरेंस क्या है मुझे समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं है आप सभी जानते हैं नाइन्थ क्लास में तो रैक्टेंगल स्क्वायर का डिफरेंस आप जानते ही होंगे बिल्कुल बेसिक टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो पहली बात तो ये कि आ, स्क्वायर रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल टाइप है ठीक है रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में कॉमन बात यह है कि जो एंगल होते हैं वो नाइन्टी डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स का इक्वल होना और पैरेलल होना ज़रूरी है नाइन्टी डिग्री का एंगल होगा तो पैरेलल अपने आप ही हो जाएंगे एक इक्वल साइड्स होती हैं ठीक है स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं अपोजिट तो ऑल ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएंगी जब सभी साइड्स इक्वल होंगी तो तो ये कंडीशन होती है तो स्क्वायर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल लेकिन अगर हम यहाँ पर प्योर एक टिपिकल रेक्टेंगल बनाना चाहें जिसमें हम सिर्फ ये ध्यान रखें कि अपोजिट साइड्स इक्वल हों आपस में सभी साइड्स इक्वल ना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि आप मूव और टर्न स्टेप मूव और जो टर्न है ये तो दो दोनों कमांड है इनको लीजिए अब कुछ भी वैल्यू ले लीजिए सपोज मूव मैंने करा दिया सपोज फिफ्टी करा दिया और टर्न करा दे टर्न तो नाइन्टी डिग्री कराना पड़ेगा क्योंकि एंगल जो होता है वो नाइन्टी डिग्री का होता है ठीक है डायरेक्ट एंगल के इसमें सभी एंगल नाइन्टी डिग्री के होते हैं मूव हंड्रेड करा दिए चलिए इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद वैल्यू चेंज कर दीजिए क्योंकि आपको साइड्स डिफरेंट शो करनी है लेंथ और ब्रेथ अलग अलग रखनी है आपको तो मैंने फिफ्टी कर दिया एंगल उतना ही रहेगा अभी फ़ोर कमांड्स हो गई ये जो फोर कमांड्स हो गई ना आपकी ये आपका पर्टिकुलर एक पोर्शन बनाएंगी मतलब हाफ रेक्टेंगल बनाएंगे आप ऐसे समझ सकते हैं देखिए इतना सिर्फ और इसको अगर हम टू टाइम्स रिपीट कर दें तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमको हमको करना ये पड़ेगा पहले थोड़ा साइज़ और बढ़ा देते हैं इसका स्मॉल रेक्टेंगल बनेगा तो मैंने लेंथ कर दी टू हंड्रेड और ब्रेथ कर दी इसकी हंड्रेड देखिए अभी रन नहीं होगा अब रन होगा ये इस तरीके से तो रेक्टेंगल बन सकता है अगर हम इसको टू टाइम्स रिपीट कर दें तो बात आपको समझ में आ रही है तो कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रिपीट और रिपीट कर देंगे टू टाइम्स टू टाइम्स रिपीट करने से काम बन जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो ये फ़ोर इंस्ट्रक्शंस को एक बार रिपीट और कर दीजिए ये इसमें एक इंस्ट्रक्शन कम है नीचे वाले में इसको डिलीट कर देते हैं तो तो भी बन जाएगा देखिए पहले विदाउट कंट्रोल आपको ब्लॉक आपको प्रोग्राम रन करा के दिखाते हैं ये देखिए है। बन गया रेक्टेंगल ठीक है एक बार और देखिए रन करा के इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए अब ठीक बनेगा ये बनना है तो रेक्टेंगल बन गया ये ठीक है अब रिपीट की हेल्प से बनाते हैं इसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो ये कमांड्स का रिपीटेशन हो रहा है इसे हटाना पड़ेगा इसको डिलीट कर दीजिए इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की और कंट्रोल में जाएंगी कंट्रोल में जाएंगी रिपीट सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट करना है वो करना है टू और ये जो कमांड्स है फोर इसको रिपीट कंट्रोल के अंदर इंसर्ट करा देंगे अब प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिए आपका रेक्टेंगल बन जाएगा ये देखिए एक मिनट आप देखिएगा तो भी वही आ रहा है तो प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं है तो यही एडवांटेज रहता है रिपीट को यूज़ करने का रिपीट कमांड को यूज़ करने का ये आपका कंट्रोल में ब्लॉक में मिलेगी आपको ये रिपीट कमांड और इसमें जो भी आप नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू देंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये कमांड जो भी इसके अंदर होंगी वो रिपीट हो जाती है तो अब आपने समझा कि हमने मूव टर्न मूव टर्न दो बार क्यों लिया है एक और दोनों बार मूव की वैल्यू अलग क्यों लिया क्योंकि रेक्टेंगल में जनरली होता क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं सभी साइड्स इक्वल हों तो भी काम चलेगा वो भी रैक्टेंगल के स्पेशल केस माना जाता जिसे है जैसे हम स्क्वायर बोलते हैं लेकिन जनरली रेक्टेंगल ऐसे ही दिखाई देता है जैसे आपकी स्क्रीन पर है ठीक है तो ये एक रेक्टेंगल का टिपिकल रेक्टेंगल का एक आपका प्रोग्राम बन गया तो यहाँ हमने रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया अभी मैं आपको एक बात और बतानी थी मुझे आपको चलिए अभी मैं इसी से स्क्वायर बना देता हूँ देखिए और रिपीट फोर कर देंगे और इंस्ट्रक्शन मूव टर्न सिर्फ एक बार लिखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा ये जो रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है जिसमें सभी साइड्स इक्वल है एंगल तो नाइन्टी डिग्री का रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में ही रहता है तो ये आपका बन गया स्क्वायर। अब एक बात और थी और वो ये थी कि आ, आप ये जो एंगल देते न, इसको ना इसको डायरेक्ट ना देके यहाँ आप ऑपरेटर में जाके एंगल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये ऑपरेशन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लिखिए थ्री सिक्सटी वाई नंबर ऑफ़ साइड्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं रेक्टेंगल में फोर फोर दे दीजिए रिपीट भी उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा तो भी आपकी जोमेटिकल फ्रोगर ड्रॉ हो जाएगी ऐसा करने से एक एडवांटेज ये रहता है कि सभी फ़िगर्स में जितनी भी ज्योमेटिकल फिगर है एक सिमेट्री रहती है कि हम हर बार थ्री सिक्सटी से ही डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स को तो आसान रहता है याद करना समझना भी तो आपको अलग अलग प्रोग्राम याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल में थ्री को थ्री से डिवाइड करना है स्क्वायर में फोर से पेंटागन में फाइव से और हेक्सागन में सिक्स से और तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप, आप डिवाइड करेंगे रिपीट की वैल्यू भी उतनी होगी बड़ा आसान है याद करना और समझना ठीक है टर्न आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज़ कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे ट्राइंगल के केस में अभी आप देखिए मैंने थ्री किया है रिपीट तो ये ट्राइंगल बन गया आपका ठीक है तो आप क्लॉक वाइज लें एंटी क्लॉक वाइज़ लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है रिपीट आप फोर कर देंगे तो देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा ये देखिए ठीक हो गया आपका पेंटागन हेक्सागन चलिए तो बात करते हैं स्क्वायर की इस बार मैंने स्पैड चेंज कर दिया है और अलग ले लिया थोड़ा सा आप भी ले सकते हैं स्क्वायर बनाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे याद रखिए वन फ्लैग क्लिक क्लियर और पेन डाउन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वन फ्लैग क्लिक करने से फ्लैग के जो सिंबल है उस पर क्लिक करने से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है क्लियर करने से जो प्रीवियस आपकी ड्राइंग है वो आपकी क्लियर हो जाएगी स्क्रीन से दिखाई नहीं देगी पेन डाउन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप पेन डाउन ऑप्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी फ़िगर ड्रॉ नहीं होगी रिपीट कंट्रोल कमांड को यूज़ इसलिए किया गया कि अगर हमें सर्टेन इंस्ट्रक्शन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है ठीक है तो हम रिपीट का कर यूज़ करते हैं जो भी वैल्यू हम वाइट एरिया के अंदर देंगे उतनी वैल्यू उतनी बार वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी चाहे वो एक इंस्ट्रक्शन है दो इंस्ट्रक्शन है जितनी भी इंस्ट्रक्शन रिपीट के अंदर लिखी हुई हैं वो उतनी बार रिपीट हो जाएंगी अब हमें क्या ड्रॉ करना है हमें ड्रॉ करना है इस समय स्क्वायर तो स्क्वायर में ड्रा करने के लिए हमें जानते हैं स्क्वायर का जो एंगल होता है वो थ्री सिक्सटी होता है तो देखिए हमने मूव करा दिया सपोज़ हमने मूव ले लिया हंड्रेड स्टेप्स आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मैंने हंड्रेड लिया है यहाँ पर और टर्न लिया एंटी क्लॉक वाइज आप, आप क्लॉक वाइज भी ले सकते हैं मैंने एंटी क्लॉक लिया है डिवाइड किया 360 को फोर से मैंने बताया ना 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं के केस में थ्री होगा स्क्वायर के केस में फोर होगा पेंटागन में फाइव होगा और हेक्सागन में सिक्स होगा और जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी बार ही हम रिपीट करेंगे उसको ठीक है तो देखिए रिपीट फोर है और टर्न थ्री सिक्सटी बाई फोर है तो दोनों में फोर फोर सेम, सेम है सेम है सेम है वहाँ पर जब तक वो सेम नहीं होगा ना तब तक ड्रॉ नहीं होगा तो सेम होना ज़रूरी है वहाँ पर तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका क्या ड्रॉ होगा ये ड्रॉ हो जाएगा स्क्वायर ये देखिए मैं कराता हूँ इसको अभी मैंने चलिए इसको मैं थोड़ा साइड ज़्यादा लेते हैं इसकी तो मूव हम टू हंड्रेड कराते हैं साइज थोड़ा बड़ा होगा स्क्वायर का ज़्यादा सही रहेगा ये देखिए अब स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है ये देखिए स्क्वायर ड्रॉ हो गया इसमें और अभी अगर थ्री कराएंगे तो क्या ड्रॉ होना चाहिए बताइए रिपीट भी थ्री करेंगे और इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई थ्री करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ होना चाहिए ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है क्लियर है और अगर हम फाइव करेंगे फोर करेंगे तो आप जानते हैं क्या ड्रॉ होगा अभी किया था स्क्वायर होना चाहिए देखिए स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है चलिए अगर आप फाइव करेंगे तो क्या ड्रॉ होगा बताइए पैंटागन ड्रा होगा ये देखिए थोड़ा साइज़ ज़्यादा आ रहा है साइज कम कर लेते हैं इसका टू हंड्रेड है तो आप साइज़ कम कर लीजिए मैंने कर दिया साइज़ वन वन सेवेंटी कर दिया ये देखिए अब प्रॉपर वे में हो रहा है और अगर हम सिक्स कर देंगे रिपीट भी सिक्स कर देंगे और एंगल भी सिक्स एंगल भी लेंगे थ्री सिक्सटी सिक्स नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड करते हैं याद रखिएगा है। हो हो जाएगा ये ये देखिए गया कर देंगे तो कितनी भी साइड जितनी साइड का आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग फिगर आपकी ड्रा हो जाएगी अच्छा अभी मूव थोड़ा हम कम कर देते हैं ये देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है और वो ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर आपको सर्किल ड्रा करना है तो एक्चुअली सर्किल का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया वो यहीं से लिया कि हम नंबर ऑफ रिपीट्स बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है और एंगल अगर हम बहुत कम कर दें तो हमारा सर्किल ड्रा हो जाएगा जैसे आ, मैंने मूव करा दिया पहले तो मूव की वैल्यू कम कर देते हैं मूव ले लिया मैंने मान लीजिए फिफ्टीन स्टेप्स और टर्न ले लिया मैंने थ्री सिक्सटी बाई लेते हैं थ्री सिक्सटी बाई वन ट्वेंटी ठीक है वन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी बाई वन ट्वेंटी कितना होता है थ्री डिग्री थ्री डिग्री का एंगल हो जाएगा और रिपीट भी हम वन ट्वेंटी कर दें तो आपको लगेगा कि देखिए क्या ड्रॉ होता है के एरिया से बाहर जा रहा है स्क्रीन एरिया से तो काम करते हैं मूव को भी थोड़ा कम करा देते हैं फाइव करा देते हैं अब देखिए सर्किल ड्रॉ हो गया अभी देखिएगा थोड़ा सा अब देखिए ये देखिए हो गया सर्किल ड्रॉ तो सर्किल का भी कॉन्सेप्ट यही है ठीक है आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट जोमेटिकल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं एक बार में फिर से बता दूँ हम ट्राइंगल बनाना सीख चुके हैं इसके अंदर ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन सर्किल और भी कोई आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट सेम रहेगा अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको रिपीट कंट्रोल कमांड का यूज़ करना है नहीं करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा अगर नहीं दे रखा तो आप यूज़ करके बना सकते हैं सर के बाद तो यूज़ करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं है लेकिन बाकी में आ, दो तरीके हैं आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं रिपीट कंट्रोल को यूज़ करके बना सकते हैं विदाउट रिपीट कंट्रोल को भी से भी बना सकते हैं तो ये टोटली totally आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है कहा गया है तो आ, उसी तरीके से बनाइएगा अब बात आती है कि ये आपके प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट्स है तो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिएगा अबाउट वन ट्वेंटी फाइव पेजेस की और ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट है ठीक है और भी प्रोग्राम है लेकिन अभी आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट करना है आपको ट्राइंगल से पहले आपको ट्राइंगल का प्रोग्राम लिखना है अब स्क्रिप्ट एरिया में जो लिखा हुआ है इसी को आपको अपनी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और जो आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है उसको राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना है ठीक है प्रोग्राम के ऊपर उसका टाइटल डेट एक्सपेरिमेंट नंबर ये सब लिखा होना चाहिए और डेट आपकी वही रहेगी जो आपकी वीडियो की डेट है क्लियर है आप जानते हैं आपकी क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे थ्री डेज होती हैं आपकी तो उसी के अकॉर्डिंग आप, आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर काम करना स्टार्ट कर दीजिए कुछ और जोमेटिकल फिगर हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं एक्स्ट्रा का मतलब है कि जो जानना आपके लिए जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट नहीं होंगे वो भी डिस्कस होंगी स्केच प्रोग्राम से रिलेटेड लेकिन जो आपके सिलेबस में मेन मेन प्रोग्राम से वो ऑलरेडी हो चुके हैं ये ही बुक में भी दे रखे हैं आपके और आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक समझ चुके होंगे किस तरीके से आपको करना है तो ये कॉपी में लिखना है आपको और ये प्रोग्राम हो गए आपके पहला प्रोग्राम हो जाएगा राइट ए प्रोग्राम टू ड्रॉ अ ट्राइंगल यूजिंग स्क्रैच प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग तो ये हो जाएगा वन राइट राइटिंग प्रोग्राम को डब्ल्यू ए पी लिखिएगा शॉर्ट में ठीक है डब्ल्यू पी टू ड्रॉ अ ट्राइंगल डब्ल्यू ए पी टू ड्रॉ अ स्क्वायर डब्ल्यू ए पी टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल रा थ्री हो गए डब्ल्यू पी टू ड्रॉ अ पेंटागन फोर नहीं ट्राइंगल स्क्वायर हाँ पेंटागन फोर फिर डब्ल्यू ए पी टू राइट डब्ल्यू पी टू अ हेक्सागन सिक्स और फिर फोर फाइव और सिक्स प्रोग्राम हो जाएगा डब्ल्यू पी टू ड्रॉ से तो आपके टोटल सिक्स प्रोग्राम हो गए तो इनको कॉपी में लिखिएगा इसी तरीके से ये सब जो मैं बता रहा हूँ इंडेक्स में लिखना है डब्ल्यू पी करके क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है तो आई टी प्रोग्राम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है डब्ल्यू पी लिखिएगा दैट इज़ सफिशियंट तो आज की क्लास के लिए इतना ही बाकी जो डाउट्स हैं आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो